मेरी उत्तर की, की बारगाह में यह अर्ज़ है कि अगर कोई इंसान नाखुन ना तराशी चालीस दिन के अंदर अंदर ज़्यादा गुजर गए दिन बाकी जो मामला भी हैं वो उनमें भी चालीस दिन ज़्यादा गुजर गए तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी क्या उसको मस्जिद में जाना जायज़ है चालीस दिन के अंदर अंदर हमने ये सारे मामला करने हैं नाखुन तराशने हैं बालों वगैरह के मामला अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अब चालीस दिन गुजर जाते हैं तो क्या उसकी नमाजें हो जाएंगी फिर दूसरा ये पूछा कि मस्जिद में जा सकता है वो इस हालत में नाखून तरशवाने में तर की चालीस दिन इन, इन चीज़ों को हो चुके हैं नाखून भी बड़े हैं बाल भी नहीं कटवाए अच्छा बाल से भी बता दें कि सर के बाल भी इसमें शामिल हैं सर के और दाढ़ी के बाल इसमें शामिल नहीं हैं।, हैं इसके अंदर जो गैर ज़रूरी बाल हैं बगल और मुए जेर नाफ़ ये इसके अंदर शामिल हैं तो इनकी सफ़ाई चालीस दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए इसी तरीके से जो मूचें बढ़ी हुई हैं तो इनको भी चालीस दिन के अंदर अंदर तरशवा लें ठीक है अगर कोई ऐसा नहीं करता ताखिर करता है तो गुनागार है मकर तहरीमी का मरतकब है अब ऐसे शख़्स का नमाज पढ़ना इसकी नमाज हो जाएगी नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ होगी ठीक है कराहत तनजीही पाई जाएगी इस कैफियत में कि जिस कैफियत को जिस हालत को शरीयत मुताहरा ने पसंद नहीं फरमाया या जो काम गुनाह का है तो ऐसी हालत में जब इंसान इस तरह की हालत से मुतलबिस हो मुश्तमिल हो और इस हालत में नमाज पढ़ता है तो नमाज में कराहत आती है, ठीक है। तो नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ होगी और मस्जिद के अंदर ऐसे आदमी का दाखला वो ममनू नहीं है जायज़ है अलबत्त अगर इन बालों के साफ़ ना करने की वजह से स्मेल आती है और वो बहुत ज़्यादा फैलती है तो बदबूदार हालत में मस्जिद में जाना जायज़ नहीं होगा ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो मस्जिद में जाया जा सकता है लेकिन अपने आप को हर वक्त जब तक ये नाखून बड़े रहेंगे वो बाल साफ़ नहीं करेगा तो ये मुस्तकिल एक सोते जागते हंसते खेलते खाते पीते ये गुनागार हो रहा है ठीक है तो इस सूरत में अपने आप को मुस्तकिल गार होने से बचाएं जिसने अगर इतनी तखिर की है तो उसको तोबा भी करनी चाहिए और जो इस वक्त अपने आप को मुलाजा कर रहे हैं कि वाक़ा चालीस दिन उनके गुजर चुके हैं इस हालत में तो उनको जल्द अज जल्द इस अमल से फारिग होना चाहिए चालीस दिन तो बहुत ज्यादा है दस दिन भी ना आने दें ये बेहतर है नजाफत नजाफत का का तो ये तक तो हर जुम्मे के दिन या हर दूसरे जुम्मे यानी हर हफ्ते या पंद्रह दिन में ये काम कर लेना चाहिए ठीक है नाखून वगैरह